जहां आज एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में पंचकुला की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। जी हां, पंचकुला की विशेष ईडी अदालत में यह सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अदालत में पेश होंगे और उनके साथ केस में अन्य आरोपी भी कोर्ट में पेश होंगे। आज कोर्ट में आरोपियों पर जो आरोप लगे हैं उन पर बहस होने वाली है। बड़ी खबर आपको हम ये बता दें, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पंचकुला की विशेष ईडी अदालत में पेश होंगे और साथ ही आपको बता दें जो आरोप लगाए गए हैं एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में उनको लेकर इस मामले में बहस होगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में आज सुनवाई होनी है पंचकुला की विशेष अदालत में, जहां आरोपों पर यह सुनवाई रहने वाली है। जो आरोप लगाए गए हैं उन पर यह सुनवाई होगी। बड़ी खबर आप ये आज की कह सकते हैं, जिस पर आज पूरे दिन नजर बने रहेगी। एजीएल प्लॉट आवंटन मामला पंचकुला से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी कोर्ट में पूर्व सीएम की आज पेशी है और आरोपों पर आज बहस होगी। ईडी कोर्ट में ये सुनवाई आज रहने वाली है। आज सुनवाई का दिन है और देखना यह होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पिछली जो सुनवाइयां हुई थी आपको बता दें कि कई बार वकीलों के वर्क सस्पेंड के चलते सुनवाई टाली भी गई है, लेकिन आज ये सुनवाई रहने वाली है। कोर्ट में चार्ज पर बहस होने वाली है, जो आरोप है उन पर बहस होगी। पंचकुला से खबर आपको हम बता दें और एक ये बड़ी खबर जिसमें आज दिन भर नजर भी बनी रहेगी, ईडी कोर्ट में पूर्व सीएम की आज पेशी है और आरोपों पर सुनवाई होने वाली है। तो एजीएल प्लॉट आवंटन मामले की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से कांग्रेस के कार्यकाल में प्लॉट देने का मामला नियमों को नजरअंदाज करके ये मामला सामने आया था और इसके बाद जांच कमेटी बिठाई गई थी, आज इसी मामले में आपको बता दें कि ईडी की कोर्ट में पूर्व सीएम की पेशी रहने वाली है। ईडी कोर्ट में आज सुनवाई होगी और आरोपों पर बहस रहने वाली है। तो देखना यह होगा कि क्या कुछ रहता है आज के इस सुनवाई में। हालांकि बात अगर सत्ता पक्ष की जाए यानी कि बीजेपी की जाए तो अक्सर इस मामले को लेकर आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी चला रहता है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शशि अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शशि अरोड़ा, तो आज सुनवाई होने जा रही है और आरोपों पर यह बहस रहेगी, जानना चाहेंगे आपसे कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और क्या कुछ रहेगा, कौन कौन आज पेश होंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में एजीएल प्लॉट आवंटन मामले को लेकर सुनवाई होनी है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन पर आरोप लगे हैं वह अन्य आरोपी कोर्ट में पेश होंगे तकरीबन 10 बजे, क्योंकि आजकल कोर्ट खुलती है सर्दियों का समय 10 बजे, तो 10 बजे के करीब जो है सुनवाई मामले में शुरू होगी। और आज की सुनवाई के दौरान जो चार्जेस को लेकर बहस होगी, पिछली बार भी चार्जेस को लेकर बहस हुई थी और उससे पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें चार्जेस पर जब बहस हुई थी तो 6 घंटे लंबी बहस उसमें चली थी। जी शशि अरोड़ा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोर्ट में चार्ज पर बहस रहने वाली है आज, और पिछली बार जो ये सुनवाई रही थी 6 घंटे लंबी बहस चली थी, लेकिन आज देखना होगा क्या कुछ रहेगा सुनवाई में। साथ ही आपको बता दें 10 बजे का समय है जब ये सुनवाई शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी कोर्ट में पूर्व सीएम की आज पेशी है और ईडी कोर्ट में यह सुनवाई रहने वाली है। सभी आरोपी पेश होंगे और साथ ही जो चार्ज लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, आज उन पर बहस रहने वाली है। तो आज उन पर यह बहस रहेगी और साथ ही आपको बता दें कि जो चार्ज पर आज बहस होगी, पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें 6 घंटे लंबी बहस चली थी।